हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोया कीमा रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने पैन में लेना है पानी, उसमें ऐड करना है सोया ग्रेन्यूल्स, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसको बॉयल होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और बाद में इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे जीरा, थोड़े खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी और लौंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज और प्याज को तब तक कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ही प्रोटीन रिच रेसिपी है, आप अपने वेट लॉस की जर्नी में ये आराम से खा सकते हो। इसमें कोई भी आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन है सोयाबीन में। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम चॉप टमाटोस। टमाटोस को डालते ही हम इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करेंगे। सॉल्ट टमाटर के साथ इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि टमाटर हमारा जल्दी पक जाता है और इसको पकने में बहुत कम टाइम लगता है। जब हमारा टमाटर मैशी होने लगेगा तभी हम इसको कुक करना बंद करेंगे। उसको अच्छे से मैशी करके फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। आप अपने मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हो, जैसे भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं आप उस हिसाब से मिर्ची को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब इसमें मैंने ऐड किया है सोया ग्रेन्यूल्स जो हमने बॉईल करके और स्ट्रेन करके रख दिए थे साइड पे। इसको अच्छे से इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे सोया अच्छा लगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे वही सोयाबीन का थोड़ा सा पानी जो बॉईल करने में ही हमने स्ट्रेन किया था, ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है अगर हम वही वाटर ऐड करते हैं इसके अंदर। उस वाटर में बहुत प्रोटीन भी है। फिर इसके बाद ऐड करेंगे हम ग्रीन चिलीज़ और प्याज, थोड़ा सा लच्छेदार और थोड़ा सा हरा धनिया, और हमारा टेस्टी सा कीमा तैयार है। देखो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा अगर आप उनको ये खिलाओगे पनीर की भुर्जी कह के, और उनको अच्छा सा प्रोटीन भी मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जब हम मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, अब दिखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है अभी सारा खा जाऊं। चलो बट वेट करना है, हमने इसको आगे भी कुछ बनाना है। इसमें अंदर हम थोड़ी सी कैविटी बनाएंगे, थोड़ी सी स्पेस, या आप अलग तवा भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैंने इसी में ही किया, मैंने इसमें थोड़ी सी कैविटी बना के क्या किया, थोड़ा सा घी डाला इसके अंदर, फिर ऐड किया इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब इसके ऊपर डाला मैंने पाव। पाव को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, इससे क्या है कि कीमा की जो रेसिपी हमने इसके अंदर बनाई है उसका फ्लेवर आएगा पाव के अंदर और बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसके बाद हम इसको इंजॉय करेंगे हमारी कीमा के साथ। और हमारी कीमा पाव की रेसिपी तैयार है, हमारी वेजिटेरियन रेसिपी, मज़ेदार सी। सो इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।